नमस्कार दोस्तों, दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपको कि मेरी न्यू वीडियो में। दोस्तों आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस प्रकार से पंजाब नेशनल वन के लिए इंटरनेट मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग को स्टार्ट कर सकते हो। यदि आपको न्यू यूजर है दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से न्यू यूजर आई डी बना सकते हो। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले, फर्स्ट टाइम आप न्यू यूजर कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों बहुत सारे लोग के कन्फ्यूजन है कि मैंने ऑनलाइन तरीके से यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन किया तभी यहाँ पर मैं न्यू यूजर आई डी बना सकता हूँ। दोस्तों ऐसा नहीं, आपने ऑफलाइन तरीके से अपने बैंक से जाकर अपना अकाउंट ओपन किया तो फिर भी यहाँ पर मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग को स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपने ऑफलाइन तरीके से अपना अकाउंट ओपन किया है तो किस प्रकार से आप न्यू यूजर आईडी को बना सकते हो। दोस्तों यदि आपको ये जानना भी किस प्रकार से अपना यूजर आईडी बनाया जाता है तो हमारे वीडियो के साथ शुरू से लेकर तक बने रहिएगा। दोस्तों आज की जो कमाल की वीडियो बिना देर के शुरू कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी देने वाला हूं किस प्रकार से आप न्यू यूजर आईडी बना सकते हो और किस प्रकार से अपना मोबाइल बैंकिंग को स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पंजाब नेशनल वन करके यहां पर आपको एक एप्लीकेशन आता है जो कि प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करना है। मैंने इसको डाउनलोड करा यानी इसको मैं ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के दोस्तों यहाँ पर आपको दो मेथड यहाँ पर आपको सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लिखा है प्रोसीड टू लॉगिन एंड दोस्तों यहाँ पर ओपन अकाउंट। दोस्तों यदि आपने अपना अकाउंट ओपन कर लिया है तो यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। दोस्तों यदि आपने अकाउंट ओपन नहीं किया दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको अकाउंट को ओपन करना होगा एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको न्यू यूजर आई डी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आसानी से पंजाब नेशनल वन में मोबाइल बैंक को स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं फिलहाल अपना आपको आपके सामने दिखाने वाला हूँ किस प्रकार से आप न्यू यूजर आई डी को बना सकते हो। तो यूजर आई डी किस तरह क्रिएट किया जाता है, तो सबसे पहले आपको प्रोसीड टू लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपने अकाउंट ओपन कर लिया तो फिर एंड सो यहाँ पर आपसे यूजर आईडी यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि यहाँ पर आपको अपना यूजर आईडी डालिए। तो दोस्तों यदि आप यूजर डालकर यहाँ पर आपको साइन अप कर सकते, मुझे अपना यूजर आईडी नहीं मालूम है तो न्यू यूजर आईडी कैसे क्रिएट किया है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको न्यू यूजर करके एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है एंड दोस्तों सबसे ऊपर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी मेथड यहाँ पर बोल रहा है। रजिस्ट्रेशन करने के यहाँ पर तीन मेथड आपको देखने को मिले, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन विथ डेबिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन विथ विदाउट डेबिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन विथ आधार कार्ड। दोस्तों बहुत सारे लोग आपको बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन विथ आधार कार्ड से आप करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन हो जाता है। मैं आपको विदाउट डेबिट कार्ड यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड से आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पर दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चलो। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए, यहाँ पर मोबाइल एंड डेस्कटॉप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री यहाँ पर आपको चाहिए, तो ये दोनों पर सेलेक्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पर अपने अकाउंट नंबर को फिल करके मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों अकाउंट नंबर से जो आपने मोबाइल नंबर लिंक किया उस पर एक ओटीपी जाएगा दोस्तों, जो कि यहाँ पर आपको फिल कर देना हो। फिल करने के दोस्तों यहाँ पर आपका टू स्टेप भी फॉलो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको करके यहाँ पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपको एटीएम कार्ड का जो भी नंबर है दोस्तों यहाँ पर एटीएम पिन को यहाँ पर आपको दर्ज करना, जो कि मैंने यहाँ पर दर्ज कर लिया। यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने दोस्तों यहाँ पर आपको तीसरे स्टेप में आप देख सकते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के यहाँ पर कुछ पासवर्ड क्रिएट करना होगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर यूजर आई डी को फॉरवर्ड करने के लिए यहाँ पर आपको जो कि आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड को क्रिएट कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर पासवर्ड आपको कुछ इस प्रकार से आपको दर्ज करना, जो कि स्क्रीन पर आपको साइड में देख सकते हैं। एंड यहाँ पर आप देखते हैं आपका जो पासवर्ड है दोस्तों यहाँ पर आपका वेरी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दोनों पर यहाँ पर आप देखते हैं मेरा वेरी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर टी पिन है जो कि यहाँ पर कोई भी अपना पिन को यहाँ पर चार अंक का जो पिन है यहाँ पर आप डाल सकते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर यूजर आईडी को फॉरवर्ड करने के में यहाँ पर आपको ये पासवर्ड को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको इसको रखना होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको संभाल कर दो, यहाँ पर आपको अच्छे से यहाँ पर फिल कर लीजिएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से फिल करें। दोस्तों यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं मेरा जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेस हो चुका है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली यूजर आई डी यहाँ पर मुझे मालूम हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर भी आप देखते हैं आपका यूजर आई डी यहाँ पर, तो उसको स्क्रीन शॉट या फिर इसको कॉपी कर लीजिए, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको लॉग इन करने के लिए यहाँ पर फिर से आपको दर्ज करना होगा। दोस्तों किसी प्रकार से अपना यूजर आई डी को क्रिएट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं आपको इस वीडियो में बस यही छोटी जानकारी दे रहा हूँ किस प्रकार से नए यूजर आईडी को बना सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक वीडियो में बताया किस प्रकार से आप पंजाब नेशनल वन में यहाँ पर अपना मोबाइल बैंकिंग को स्टार्ट किया जाता है। तो उस वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर जाकर अपना देख लीजिए एंड तो उसमें आपको बताया किस प्रकार से आप यूजर आईडी के साथ साथ यहाँ पर एम पिन वगैरह सब कुछ कैसे उसको क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों वो लंग वीडियो तो फिलहाल आपको इस वीडियो में जानकारी देना चाहता है किस प्रकार से अपना यूजर आईडी को क्रिएट किया जाता है। दोस्तों फिलहाल आपको इस वीडियो में यही छोड़ें। दोस्तों यदि आपको इसी संबंधी कोई काफी दिक्कत या फिर कोई तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर लीजिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी और ताकि इससे संबंधी कोई नया वीडियो है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके।